भाई इनको देख के अलग ही डर लग रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर। अबे भाई मारो तो मत यार। अबे अबे देखो गाइस केदारनाथ में जादू स्पॉट हो गया है। जादू धूप तो चली गई, तुम क्या कर रहे हो? सो हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो फाइनली आज टाइम आ चुका है हमारी केदारनाथ यात्रा का। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8 और सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो करते चलो यहाँ से चेकआउट और चलते हैं यहाँ से गौरीकुंड और फिर वहां से ट्रैक केदारनाथ का। ट्रैक नहीं भाई, ड्रीम ट्रैक। ड्रीम ट्रैक हाँ भाई। तो भाई सच्ची में यार मतलब यकीन नहीं हो रहा कि आज फाइनली जा रहे हैं। तो चलो फिर अब निकलते हैं। चलो चलो गाइस, देखो सामने घोड़े खच्चर, ये देखो सामान ढोते हुए। तो ये घोड़े खच्चर यहाँ की निशानी है एक तरह से। अब हमको पूरे रास्ते यही मिलने वाले हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हमारी पार्किंग में। रखते हैं हमारा सामान गाड़ी में। 1, 2, 3 बैग रखने हैं और 2 बैग लेके जाने हैं। एक ये वाला बैग जो मैंने टांगा है और एक ये वाला बैग। हम चारों की हुडी है इसमें, 4 हुडी। तो निकल चुके हैं सामान रख के। तो अब करनी है हमें यहाँ से गाड़ी गौरीकुंड के लिए। गाइस वो देखो हेलीकॉप्टर ऊपर वहाँ पे। गाइस सुबह से हमने इतने हेलीकॉप्टर देख लिए ना जाते हुए, क्या बताऊं भाई। हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर लगातार चल रहे हैं सुबह 4 बजे से भाई। यहाँ जगह बहुत ही कम है और हम चारों बैठे हैं। ये देखो दब के बिल्कुल यही तो आई है। तो पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और यहाँ से केदारनाथ 16 किलोमीटर। ये देखो यहाँ से हो गया है हमारा ट्रैक स्टार्ट फाइनली। तो अभी गाइस हम आ गए हैं गौरीकुंड के कुंड में, जहाँ पे होता है बहुत ही गर्म पानी। यहाँ पे है नेचुरल गर्म पानी, बिल्कुल भाई खोलता हुआ पानी। ओ भाई गरम तो है भाई, फुल गरम। ये देखो धुआं भी निकल रहा है पूरा यहाँ पे। गाइस यहाँ पे डर लग रहा है घोड़ों से। सब साथ चल रहे हैं, घोड़े आदमी एक ही रास्ते में और नीचे पूरा गोबर है। गाइस यहाँ से पीते हैं घोड़े पानी। ये देखो ये है उनकी जगह पानी पीने की। रास्ते में ये बने हुए हैं बहुत सारे। आराम से ओए भाई। अबे अबे हर हर महादेव। लेकिन पैदल पैदल चलना था। अरे यार अत्याचार। अबे भाई मारो तो मत यार। अबे मार क्यों रहे हैं भाई ये? पानी भी नहीं पीने दे रहे यार उन्हें। गाइस इस मामले में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बट हाँ यार बुरा लगता है देख के। बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई। तो यहाँ से हमने लिया एक पानी की बोतल जो कि हमें पड़ी पूरे 50 रुपए की। और ये देखो पसीना, मेहनत भाई। गाइस अब गौरव पतला होने वाला है। पहुंच पाएंगे नहीं, पहुंच पाएंगे आज केदारनाथ? पहुंच जाएंगे, महादेव का नाम लो भाई, चलते रहो, शक्ति खुद ही मिल जाएगी। सही बात है। वाओ गाइस ये देखो आप मेरे पीछे भाई, कितना प्यारा लग रहा है वाटरफॉल। तो रास्ते में आ रहे हैं ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल लग रहा है यार। तो अभी हमने अराउंड 4 या 5 किलोमीटर कवर कर लिया है और फिलहाल यहाँ बैठे हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। बहुत थक गए भाई, पूरी चढ़ाई है खतरनाक वाली। और यहाँ चलने में ना गाइस केदारनाथ मूवी की याद आ रही है। अरे वो सारा अली खड़ा है, मतलब ना मतलब क्या है ना, 4 किलोमीटर सबको लग रहा होगा ना 4 किलोमीटर में थक गए। हाँ। चढ़ाई देखो ना आप, चढ़ाई ऐसी है पूरी। गाइस केदारनाथ धाम यात्रा में यहाँ फैन मीटिंग चल रही है तगड़ी। एक बार बोल दो। गाइस सब सही है, लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत हो रही है यहाँ पे जाने में, वो है घोड़ों की। मतलब रास्ता नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, लेफ्ट से भी घोड़े राइट से भी घोड़े। कई बार तो हम बिल्कुल बाल बाल बचे हैं भाई। तो हाँ बहुत डर लग रहा है इस चीज का, घोड़ों का। यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ऊपर यहाँ पे, और वहाँ ऊपर से आ रहा है बहुत ही खतरनाक झरना। ये देखो बहुत तेज भाई, ये कैसे अटके हुए यहाँ पे है ना यार, सब एक दूसरे के सारे हैं। हाँ। तो भाई एक भी पत्थर गिर गया खत्म भाई। भाई इनको देख के अलग ही डर लग रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर। फाइनली बहुत देर चलने के बाद अराउंड 6 किलोमीटर यहाँ पे आया है पहला बोर्ड। तो यहाँ से है केदारनाथ 10 किलोमीटर, आपको दिख रहा होगा। बम बम बोले। तो अभी थोड़ी देर पहले हम देखो वहाँ पे थे, वहाँ पे नीचे, और अभी हम आ गए हैं देखो इतनी ऊपर। और यहाँ तक हुआ है सिर्फ 2 किलोमीटर। मतलब देखो यार वहाँ से यहाँ इतनी चढ़ाई, इतनी ज्यादा भाई पहाड़ पे ना चढ़ाई के 2 किलोमीटर भी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो यह है घोड़े की नाल, ये किसी की निकल गई होगी, ये लगती है यार देखो पैर के नीचे घोड़े के। तो यहाँ से मार रहे हैं हम एक शॉर्टकट, रास्ता वैसे यहाँ से है ये देखो, लेकिन यहाँ से है शॉर्टकट।
इतना आसान नहीं है पाना भोलेनाथ को, तो हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, हर हर महादेव। तो बहुत देर के बाद यहाँ पे लिया है हमने हमारा सेकंड स्टॉप, तो सारे यहाँ बैठ चुके हैं भाई, पैरों को थोड़ा रेस्ट देते हैं, पैर पूरे कांप रहे हैं गाइस। जो भी हो लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो लेके जा रहे हैं लोगों को अपने कंधे पे, इनको मेरा सलाम है, क्योंकि यार हमें पता है भाई कितना मुश्किल रास्ता है, कितनी चढ़ाई है, लेकिन ये लोग फिर भी भाई बिठा के कंधे पे ले जा रहे हैं लोगों को यार। यहाँ देखो, यहाँ पे है ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देने भाई। पैर ना भाई मतलब फील नहीं हो रहे, पूरे सुन हो गए हैं, पूरे कांप रहे हैं पैर, बट फिर भी हम चल रहे हैं, रुक नहीं रहे। यहाँ पे ऐसा होता है देखो, आपके पैर में दर्द होगा बहुत तेज वाला, गंदा वाला, लेकिन हाँ आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, महादेव का नाम लेके सब भक्तों की तरह ऐसे ही चलते जाना है। गाइस ये है यहाँ का नेचुरल वाटर जो कि पहाड़ से आ रहा है, और ये इतना ठंडा है ना, बिल्कुल बर्फ का, पी के देख, है ना भाई, दांत सुन हो गए पानी पी के। धुंधला धुंधला दिख रहा है, पर सब दूर देखो ना, धुंधला चक्कड़े से आ रहे हैं यार भाई, कमजोरी आ रही है शरीर में, सही में यार। हाँ। और गाइस फिलहाल मौसम हो चुका है बहुत ही खराब, देखो बारिश आने लगी है, लग रहा है बहुत तेज बारिश आएगी। ये देखो सामने का मौसम, कोहरा ही कोहरा। गाइस सच्ची कह रहा हूँ यार, मेरी लाइफ की सबसे मुश्किल ट्रिप है यार ये, आज तक की सबसे खतरनाक ट्रिप, मतलब क्या बताऊँ यार, इतनी हालत खराब हो गई ना इतनी ज्यादा। और ये देखो रास्ता कैसा, यहाँ से अगर यहाँ से फिसले तो फिर गंदा ही गिरेंगे, जाएंगे सीधा वहाँ नीचे। तो फिलहाल हो गई है बारिश तेज, और देखो हम कहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे छतरी है छोटी सी, यहाँ पे रुके हैं भाई इसके नीचे। अब हमको लेने पड़ेंगे रेनकोट कहीं से, 4 रेनकोट है, 4 ही बचे हैं। अरे वाह, जहाँ पर रुके यहाँ पे है रेनकोट, और 4 ही है पूरे। तो चलो पहनते हैं रेनकोट, इसके बिना हम जा नहीं पाएंगे आगे। गाइस पॉपट हो गया यार, गाइस ले तो लिया हमने रेनकोट, लेकिन हमारे कपड़े भीग चुके हैं पता अंदर से पूरे, और अपना ठंड लग रही है अंदर से बहुत, बिकॉज कपड़े गीले हैं ना अंदर से। गाइस पॉपट हो गया भाई, क्या खतरनाक एडवेंचर हो रहा है यार आज। देखो गाइस केदारनाथ में जादू स्पॉट हो गया है, जादू धूप तो चली गई, तुम क्या कर रहे हो? जादू धूप मांगो तो धूप, धूप आ जा धूप, ना ना ऐसे नहीं बोलता वो, धूप धूप। तो फाइनली गाइस हमें दिख चुकी है हमारी मंजिल, वो देखो, तो वहां पे सामने है मंदिर, बस पहुंचने ही वाले हैं भाई, क्या खुशी हो रही है यार अंदर से। और एक और मेन बात हमें दिख रही है बर्फ पहाड़ पे, वो देखो ज़ूम करके दिखाता हूं गाइस आपको, वो देखो भाई हल्की हल्की दिख रही होगी तुमको। और ये तुम क्या लग रहे हो, मिक्की माउस जैसे क्या लग रहे हो तुम्हें? क्यूट लग रहे हैं भाई, क्यूट है ना। जय बोले की, जय बोले की। और आप ये देखो यहाँ पे होते हैं कुछ इस तरह के टेंट रहने के लिए, नाइट स्टे करने के लिए। गाइस मैंने ना एक बात सुनी थी कि मंदिर जितना पास आएगा ना उतनी ही आपकी थकान और सारा दर्द दूर हो जाएगा, और सच्ची में यार मेरे को तो फील हो रहा है वो चीज भाई, कहाँ गई दर्द। शिव जी ने पैरासिटामोल मिला दिया, पता भी नहीं चला। अरे लोगों को लग रहा हूँ ना मजा आ गया, जब आप लोग आओगे ना आप भी विश्वास करोगे सबको, मैंने कुछ शक्ति तो है भाई। गाइस देखना आप, मतलब रास्ते में होगा आपके पैर में दर्द, ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही मंदिर पास आएगा सब दूर, सब जय बम बम बोले, जय बोले भाई। गूस बम पा रहे हैं यार फाइनली केदारनाथ, ओहो ड्रीम प्लेस, फाइनली हमारे सामने है मंदिर केदारनाथ धाम। ओ भाई विश्वास नहीं हो रहा यार, पहुंच गए। कितने लेते हो इसके? इसमें कौन जाएगा? ये 7,000। वो पहले गौरव का शरीर देख रहा था।